एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड कटलेट। ये हम बहुत ही इजी तरीके में बनाएंगे। आप चाहें तो आप इसको बच्चों के टिफिन में या स्नैक्स के तौर पे आराम से बना सकते हैं। सो चलिए बनाते हैं ब्रेड कटलेट। कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं आलू, ये उबले हुए आलू हैं। यहाँ पे मैंने लिए है ब्रेड, इसको मैंने गोल शेप में काट लिया है। आप चाहे तो आप नॉर्मल ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, बारीक कटा प्याज, प्याज को यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। कटी हुई हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार हम लेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने नमक आधा चम्मच लिया है। सबसे पहले हम एक बॉल में आलू ले लेंगे। ये करीबन 6 आलू हैं। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। पिंच ऑफ हल्दी डाला है और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और हम डालेंगे इसमें बारीक कटा प्याज, अब मैं इसको स्पून की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेती हूँ। आप स्पून की जगह अपने हाथों का भी इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश कर लिया है। तो अब हम रख देते हैं इसको साइड में। यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड, इसको मैंने गोल शेप में काट लिया है। बिल्कुल इसी तरह इसमें मैं करूँगी पानी से डैबिंग। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये जो कटलेट है ये खुले ना। और इसके बीच में हम डाल देते हैं स्टफिंग। स्टफिंग आप इसमें ज़्यादा ना भरिए, नॉर्मल हमको 1 स्पून के हिसाब से स्टफिंग भरनी है। अब हम दूसरे ब्रेड में भी पानी से इसको डैब कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और इन दोनों को अच्छी तरीके से एक दूसरे में चिपका लेते हैं। साइड्स में आप पानी का यूज़ करके इसके साइड्स को अच्छी तरीके से सील कर लीजिए। ये इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सील करना है, नहीं तो ये तेल में जाके खुल सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, हम पानी से इसको डैब कर लेंगे। बीच में हम 1 स्पून के बराबर स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह। और अब हम दूसरे ब्रेड को भी पानी से डैब कर लेते हैं और इन दोनों को एक दूसरे में अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। और साइड्स के एजेस में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पे मैंने दूसरा भी बना लिया है। तो इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड्स को अच्छी तरीके से सील कर लिया। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से आप इसको सील करेंगे तो बिल्कुल खुलेंगे नहीं। तो चलिए करते हैं इनको फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तेल। तेल हम उतना ही लेंगे जिसमें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटलेट्स। ज़्यादा कटलेट्स हम एक साथ नहीं डालेंगे, 2 या 3 डालेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डालेंगे तो ये बिल्कुल खुलेगा। और इसको बिल्कुल इसी तरह रहने देते हैं। 5 मिनट बाद ये दूसरी साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन फ्राई। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड से भी होने देते हैं। तो ये दोनों साइड से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसकी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। आप इसको एक टिश्यू पेपर में भी आराम से निकाल सकते हैं। अब हम डालते हैं दूसरे बैच के कटलेट्स। तो बिल्कुल उसी तरह डालेंगे। इस बारी मैं 3 डाल रही हूँ और इसको एक साइड से अच्छी तरीके से होने देंगे। तो यहाँ पे एक साइड से हो चुका है, तो इसको टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड से इसको अच्छी तरीके से होने देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे कटलेट देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आपको इसकी साउंड आ रही होगी। आप इस तरह से कटलेट अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स हमारे ब्रेड कटलेट बनकर तैयार हैं। आप इसको टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टिफिन के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वापस मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय।